मुरादाबाद के कांट रोड स्थित एसएस ट्रेनिंग एकेडमी स्कूल में बाल दिवस बड़े धूमधाम के साथ मनाया गया। इस मौके पर गायन प्रतियोगिता का आयोजन कराया गया, जिसमें सभी कक्षाओं की छात्राओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। विद्यालय के प्रधानाचार्य डॉक्टर बबीता अग्रवाल ने बाल दिवस की सभी को शुभकामनाएं दी। पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्मदिन बाल दिवस के रूप में पूरे देश में मनाया जाता है। इस मौके पर मुरादाबाद के अनेक स्कूलों में कार्यक्रम आयोजित किए गए। शहर के कांट रोड स्थित एसएस चिल्ड्रन एकेडमी स्कूल में बाल दिवस के अवसर पर गायन प्रतियोगिता का आयोजन कराया गया, जिसमें भारी संख्या में छात्राओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। इस एक दिवसीय गायन प्रतियोगिता का शुभारंभ विद्यालय की प्रधानाचार्य डॉक्टर बबीता अग्रवाल द्वारा चाचा नेहरू के चित्र पर माल्यार्पण करने के साथ साथ दीप जलाकर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इस मौके पर छात्राओं द्वारा अपनी प्रस्तुति दी गई, जिन्हें देख के सभी ने खूब सराहा। कार्यक्रम के बारे में जानकारी देते हुए एसएस चिल्ड्रन एकेडमी स्कूल की प्रधानाचार्य डॉक्टर बबीता अग्रवाल ने बताया है कि हम हमेशा बच्चों को आगे बढ़ाने के साथ साथ उनकी छुपी हुई प्रतिभा को निखारने के लिए काम करते हैं। सबसे पहले मैं एसएस चिल्ड्रन एकेडमी की ओर से सभी बच्चों को बाल दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। और आज इसी उपलक्ष्य में हमने अपने स्कूल में सिंगिंग कॉम्पिटिशन रखा है। ये क्लास 6 ऑनवर्ड्स है और इसमें बच्चे, बहुत सारे बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। बहुत अच्छा इस समय बच्चों के अंदर एक टैलेंट उभर कर आ रहा है सिंगिंग और डांसिंग का, क्योंकि बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स टीवी पर भी उन लोगों को इस समय मिल रहे हैं। तो इसी टैलेंट को हम आगे लाने के लिए इस टाइप के कॉम्पिटिशन्स आयोजित करते हैं कि जिससे बच्चों का हिडन टैलेंट हमें पता लगे और हम उन्हें आगे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर और स्टेट लेवल पर भेज पाएँ, जिससे कि फिर वो आके नेशनल टीवी पर भी दिखाई दें। अच्छा, बाल दिवस पे हर किसी व्यक्ति का एक संदेश होता है कि हम बच्चों को आगे बढ़ाएं, तो आपके विद्यालय में ऐसे बच्चे हैं जिनको आप अपने स्तर से आगे बढ़ाने के लिए सहयोग करते हैं? बिल्कुल करते हैं सर। जो बच्चे हमारे यहाँ स्पोर्ट्स में या एक्स्ट्रा एकेडमिक के साथ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज बहुत ज़रूरी है, उसमें तो हम हेल्प करते ही हैं। साथ में हम जो भी बच्चा टैलेंटेड होता है, या वो स्पोर्ट्स में हो या सिंगिंग में या डांसिंग में, तो उसके हर तरह से हम लोग हेल्प करते हैं। जो भी उसको रिक्वायर होती है, उनके टेस्ट शेड्यूल है, एग्ज़ाम शेड्यूल है, उसको भी चेंज करते हैं। किसी को मॉनेटरी प्रॉब्लम है, उसको भी चेंज करते हैं। और कोशिश यही रहती है हमारी कि अगर उसके अंदर टैलेंट है तो वो आगे निकल कर आएगा।